दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय नायर की डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि टिप्पणियां और निष्कर्षों के साथ आरोपित विजय नायर द्वारा दायर वर्तमान आवेदन को इस अदालत के समक्ष सुनवाई आयोग नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। बता दें, विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि तथ्यात्मक और कानूनी चर्चा के मद्देनजर ये अदालत आरोपित की डिफॉल्ट जमानत आधार पर विचार करने के लिए सक्षम या उचित मंच नहीं है और आरोपित के लिए उपलब्ध उचित रास्ता उसी न्यायाधीश या पीठ से संपर्क करना चाहिए। बता दें, विजय नायर को इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने फरवरी महीने में नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले अपनी जमानत याचिका में नायर ने कहा था कि वो केवल आपके मीडिया और संचार परिवारी थे और किसी भी तरह से उत्पाद शुल्क नीति का मसौदा तैयार करने या कार्यान्वयन में शामिल नहीं थे और इसके लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। बता दें, नायर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप गलत, झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले साल 13 नवंबर को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी और बाहरी विचारों से प्रेरित प्रतीत होती है। ये देखते हुए कि विशेष अदालत को भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुनाने की उम्मीद थी। इससे पहले ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि सिसोदिया ने विजय नायर की आपराधिक गतिविधियों का समर्थन किया था। ईडी ने पहले अदालत को बताया कि आपके नेताओं की ओर से विजय नायर को साउथ ग्रुप नामक एक समूह से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क को माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना L1 लाइसेंस बढ़ाया गया। आपको बता दें कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया और संचार प्रभारी और मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट फर्म ओनली मंच लाउडर के पूर्व CEO हैं।